चंडीगढ़ में चुनाव का माहौल गर्माया हुआ है। सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार करने में जुटी हुई हैं। बीते दिनों 5 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी अपनी रैली करके गए हैं चंडीगढ़ में, और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी अपनी रैली करने सेक्टर 38A में आ रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि उनके आने की खुशी में कैसे तैयारियां चल रही हैं। स्टेज पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, बैठने के लिए अच्छी सुविधा की गई है, चेयर लगाई गई हैं और एक अच्छी हाइट दी गई है स्टेज को। अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि पीछे दिखाइए जहाँ पर चेयरें लगी हुई हैं, चेयर के ऊपर लोगों को दिक्कत ना हो, गर्मी महसूस ना हो, इसीलिए पंखे लगाए गए हैं और शेड का इंतजाम किया गया है। जानकारी के अनुसार यहाँ पर 7,500 चेयरों का इंतजाम किया गया है ताकि जो यहाँ पर रैली में मौजूद जितने भी समर्थक आएंगे उनको बैठने में आसानी हो और आसानी से ये रैली देख सकें। कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं उनके बैठने के लिए यहाँ सामने इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ ये बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि कोई अनजान व्यक्ति अंदर ना आ सके और किसी भी असुविधाजनक घटना को अंजाम ना दिया जा सके। देख सकते हैं कि सभी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मंदीप गौतम, अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।